दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत की एक फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, वो फ़ोटो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आखिरकार इस पूरे के पूरे फ़ोटो वायरल होने का आखिरकार मामला क्या है। आप सबको पता ही होगा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत इस टाइम गिरफ्तार हैं और वो जो है जुडिशियल कस्टडी में बंद हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो है जहाँ पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने टैटू बनवा रखा है। इस टैटू में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं कि इस व्यक्ति के पीठ पर इन दो के दोनों लोगों की तस्वीर बनी है। लेकिन उसके साथ में ही एक तीसरी तस्वीर है जो कि संजय राउत की है। संजय राउत की तस्वीर आप देख सकते हैं कहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। लगातार इस फोटो को शेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आखिर संजय राउत का टैटू कहां पर बनवा लिया गया। इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो फ़ोटो शेयर की जा रही है और संजय राउत का मजाक उड़ाया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक ओरिजिनल फ़ोटो आई, मतलब पता चला कि ये जो फ़ोटो है ये पूरी तरह से फेक है, एडिटेड है। लेकिन जो रियल फ़ोटो है उसमें संजय राउत है ही नहीं। अभी जैसा कि दूसरी फ़ोटो आ रही है, सामने आ रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस फ़ोटो में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे थे जिनका टैटू जो है इस शख्स के द्वारा बनाया गया था। रियल फ़ोटो में सीधा सीधा आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर कहीं भी तीसरा फ़ोटो यानी तीसरा टैटू संजय राउत का नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि वो जो फ़ोटो बनाई गई है वो एडिटेड है, जिससे कि संजय राउत को लेकर मजाक उड़ाया जा सके। बाय द वे, सोशल मीडिया पर ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। लेकिन अभी जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है, जो रियल फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो सामने आई है उसमें दिखाया गया है कि इसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की फ़ोटो बनाया गया, टैटू बनवाया गया था, लेकिन संजय राउत का नहीं। लेकिन यहाँ पर जानबूझ के फ़ोटो को एडिट करके संजय राउत को एक ऐसी जगह पर फिक्स कर दिया जिसकी वजह से पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।